गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी रीड लेसन 8 ऑफ ईवीएस कुकिंग फूड। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके बेटा, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर। मीन्स जो आंसर आपको ऑप्शंस दिए होंगे क्वेश्चन के, तीन ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से जो राइट आंसर होगा उसको टिक करना है। ओके बेटा, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक। मीन्स बेटा आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं कैरेट, पोटैटो और राइस। तो आपको ये बताना है इन तीनों में से कौन सी ऐसी फूड आइटम है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा है वो? कैरेट है, पोटैटो है, राइस है। राइस भी हमें पकाकर खाने पड़ते हैं, पोटैटोस भी सब्जी की माने हैं। कैरेट है, इसको हम वेजिटेबल के रूप में पकाकर भी खाते हैं और सैलेड में हम कच्चा भी खाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कैरेट। नेक्स्ट इज समोसा आर कुक बाय, कि समोसा कैसे पकाया जाता है? बेकिंग करके, बॉइलिंग करके या फ्राइंग करके। मीन्स बेकिंग का मतलब आपको बताया था मैंने कि ओवन में बेक करते हैं। बॉयल का होता है वाटर, किसी पैन में वाटर डालकर उसको उसमें बॉयल करते हैं, उबालना। और फ्राई होता है किसी चीज को तलना, किसी पैन में ज्यादा मात्रा में ऑयल डालकर उसको तलना। था हमें पता है कि समोसे को हम एक बड़ी कढ़ाई में, बड़े पैन में ज्यादा ऑयल डालकर पकाते हैं, तलते हैं। तो इसलिए आंसर विल बी फ्राई। ओके बेटा, नेक्स्ट इज एलपीजी स्टैंड्स फॉर। मीन्स एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सीधा आंसर लिख दिया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपको यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट है अ सोलर कुकर यूजेस। सोलर कुकर क्या यूज करता है? जब वो उसमें खाना पकाते हैं तो वो किस चीज से चलता है? सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है या कोल एनर्जी है? तो मैंने आपको बताया था कि जब अगर सोलर यहाँ पर आ गया तो सोलर एनर्जी ही आएगा, है ना। वाटर एनर्जी दूसरा है, कोयल कोल एनर्जी मैंने आपको बताया था, जैसे तंदूर में डालते हैं कोला, है ना। तो सोलर कुकर हम किसको कहते हैं? सोलर से। ओके बेटा, सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ट्रू फॉल्स। मीन्स राइट आंसर के लिए आपने ट्रू लिखना है और रॉन्ग आंसर के लिए आपने फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कुकिंग मेक्स द फूड हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। मीन्स खाना पकाने से वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है और पचने में मुश्किल हो जाती है, इसको डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसका आंसर, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। क्योंकि बेटा कुकिंग करने से जो फूड होता है वो डाइजेस्ट भी अच्छी तरह हो जाता है और फूड जो है वो टेस्टी भी होता है। ओके, सेकंड इज कैरेट एंड रेडिश कैन बी ईटन रॉ। गाजर और मूली को कच्चा भी खाया जा सकता है, राइट। हम इसे वेजिटेबल्स के रूप में भी खाते हैं और सैलेड के रूप में भी। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट इज बॉइलिंग मींस कुकिंग फूड आइटम्स इन ऑयल। बॉइल का मतलब होता है खाने को ऑयल में पकाना या तलना, यानी उबालने का मतलब होता है फूड आइटम को ऑयल में पकाना। तो नो, जो फूड हम ऑयल में पकाते हैं या तलते हैं उसको फ्राइंग बोलते हैं। बॉइलिंग होता है जो वाटर में हम उसको बॉइल करते हैं। तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज नाउ ए डेज यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ क्ले, कि आजकल जिन बर्तनों में हम खाना पकाते हैं वो मिट्टी से बने होते हैं। तो ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि पहले टाइम में ओल्डन डेज में होता था कि मिट्टी के यूटेंसिल्स होते हैं, आजकल तो सिल्वर के होते हैं, स्टील के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट इज ओवर कुकिंग फूड इज नॉट गुड, कि खाने को ज्यादा देर तक पकाना है या ज्यादा पकाना अच्छा नहीं होता। तो इसका आंसर राइट है, तो लिखेंगे ट्रू, ठीक है। क्योंकि ज्यादा ओवर कुक करने से जो फूड होता है ना बेटे, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो
न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग द मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज स्टीमिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग। मैंने आपको बताया था स्टीमिंग का मतलब होता है स्टीम करना, ठीक है, और बॉइलिंग का मतलब होता है वाटर में बॉइल करना, रोस्टिंग का मतलब होता है डायरेक्ट हीट में किसी चीज को पकाना, भूनना, और बेकिंग का मतलब होता है ओवन में बेक करना। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टीमिंग, यहाँ पर आपके आंसर दिए हुए हैं। तो स्टीमिंग टू कुक इन स्टीम, भाप में पकाना, स्टीम में पकाना। ओके बेटा, नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग का क्या होता है कि पानी में बॉइल करना, तो बॉइलिंग टू कुक इन वाटर। रोस्टिंग, मैंने भी जैसा कि आपको बताया कि किसी चीज को डायरेक्ट हीट पर भूनना है ना, तो रोस्टिंग। लास्ट इज बेकिंग, बेकिंग मीन्स टू कुक इन एन ओवन, ओवन में कुक करना, इसको हम बेकिंग करते हैं। तो बेटा जो मैचिंग है वो आपके बिल्कुल जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ऊपर नहीं होना चाहिए, होच पोच नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, सो योर होमवर्क इज राइट एंगल एक्सरसाइज ऑफ लेसन 8 इन योर बुक। ओके बेटा, थैंक यू।